दोस्तों, ग्रीन लाइन जो है कोरोना वायरस की तरह फैल रही है। आपके स्मार्टफोन पर एक अपडेट आता है, जैसे ही आप उसे अपडेट कर लेते हैं तो आपको अचानक से एक दो दिन के अंदर ग्रीन, पिंक या फिर रेड लाइन अपीयर होती है और इस प्रॉब्लम के केस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें लगभग सारी कंपनियां जो इंडिया में अवेलेबल है उनके साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ फ्लैगशिप लेवल में नहीं, मिड रेंज के फोन में भी देखने को मिल रही है। और अगर आप इसे रिपेयर कराने जाओगे तो पूरा डिस्प्ले बदलना पड़ता है, जिसका पैसा आपके जेब से लिया जाता है। और अगर आप इसे सर्विस सेंटर में रिपेयर कराने नहीं जाओगे तो एक टाइम के बाद आपका डिस्प्ले बंद हो जाएगा। और दोस्तों, इस इशू पर ना यूट्यूबर वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता चल सके ये प्रॉब्लम भी फोन्स में देखने को मिल रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। और अगर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ इस प्रॉब्लम के बारे में। तो करें शुरू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीन लाइन की प्रॉब्लम है वो लगभग इंडिया में सारी स्मार्टफोन कंपनीज के साथ में ये हो रही है। जैसे अगर हम ट्रस्टेड ब्रांड की बात करते हैं सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ही तो दूसरों को अपनी डिस्प्ले प्रोवाइड करता है ना, तो सैमसंग के फोन में भी ये प्रॉब्लम आई है। जैसे कि 6 दिन पहले किसी ने ये ट्वीट किया था जिसमें लिखा था सैमसंग S22 Ultra में ये जो है वो डिस्प्ले में ग्रीन लाइन का प्रॉब्लम देखने को मिली है। और ये एक ही फोन नहीं है, इसके साथ में बहुत सारे फोन्स भी हैं, जैसे S21 Ultra हो गया। और इनके केस में तो ये सर्विस सेंटर भी गए थे और इन्हें 31,000 रुपए बताया गया डिस्प्ले चेंज का। और सैमसंग फोल्ड में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और सैमसंग S20 Plus में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है लोगों। और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हम तीन चार फोन्स के बारे में बात करेंगे हर ब्रांड के। अगर हम बात करते हैं Xiaomi की, तो Xiaomi 11i में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, Poco F5 GT में भी देखने को मिली है और Poco F5 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है लोगों को। और Redmi Note 8 Pro में भी देखने को मिली है ये प्रॉब्लम। और जैसे आपको पता है कि Xiaomi का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा है और इनकी जो सेल भी है वो भी डाउन बहुत ही ज्यादा होती जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है, तो अगर आपको जानना है तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया है। वैसे अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो वीवो के फोन्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे कि वीवो V23 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, वीवो के X60 Pro में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है और वीवो के X70 Pro में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। और IQ की अगर हम बात करते हैं तो IQ9 SE में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है और IQ के 7 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो हाँ, अभी IQ भी नहीं बचा है भाई। Oppo के कुछ फोन्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। और Realme की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि Realme बहुत ही बढ़िया फोन्स बनाता है ना भाई, तो Realme के X7 Pro में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। OnePlus का तो रिकॉर्ड ही खराब होते जा रहा है भाई, क्योंकि OnePlus 8 Pro में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, 9R में भी प्रॉब्लम देखने को मिली है और 8T में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। OnePlus का रिकॉर्ड बहुत ही खराब होते जा रहा है, क्योंकि OnePlus के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। Moto के भी कुछ केसेस आए हैं, जैसे कि Moto G52 में भी ग्रीन लाइन का इशू आया है और Moto H20 Pro इसमें भी ये इशू देखने को मिले हैं। अभी जो फिलहाल में नया ब्रांड आया है Nothing, तो Nothing फोन बन में भी ये इशू देखने को मिला है ग्रीन लाइन का। सबसे ट्रस्टेड ब्रांड एप्पल, तो iPhone XR में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, iPhone X में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है और iPhone 12 में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। इस ब्रांड को हम सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए सजेस्ट करते थे, लेकिन इन फोन्स में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? तो दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि एमोलेड डिस्प्ले E4 और E5 होने की वजह से ना ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि IPS डिस्प्ले में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि मोबाइल फोन में हायर रिफ्रेश रेट होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि फोन उसे हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि जिस फोन में हायर रिफ्रेश रेट नहीं है उस फोन में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि वोल्टेज सप्लाई का प्रॉब्लम होने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या हो रहा है कि अपडेट के बाद में वोल्टेज सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है और एक साथ में इतनी फोन्स के साथ में हो रहा है, तो ये भी मतलब पूरा सच हम इसे नहीं मान सकते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कंपनी का पैसा कमाने का तरीका है, जिस फोन की वारंटी खत्म हो जाती है उस फोन पर एक ग्रीन लाइन ला दो, उसके बाद आप सर्विस सेंटर जाओगे और कंपनी को पैसे दोगे तो कंपनी के पास आपके पैसे जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर हर कंपनी ऐसी करेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी और उनकी इमेज जो है वो नेगेटिव वे में चली जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट है पूरी डाउन हो जाएगी। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और 1 से 5 दिन के अंदर आपको ये जो लाइन अपीयर होना चालू हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में यही आएगा कि इसकी वजह से हमारा जो फोन है उस पर ग्रीन लाइन हमें देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं है कि किस वजह से मोबाइल पर ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी वालों से पूछोगे तो कंपनी वालों को भी पता नहीं है कि किस वजह से ये ग्रीन लाइन हमारे फोन पर आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन से ये ग्रीन लाइन चली जाए तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और आपको डिस्प्ले
सप्लाई चेंज करानी पड़ेगी, और कुछ केसेस में आपके जेब से भी ये पैसा जा सकता है। और आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपके फोन पर ग्रीन लाइंस आती हैं, ट्विटर पर ट्वीट करिए और जिस कंपनी का आपका फोन है उस कंपनी को आप मेंशन करिए, ताकि आपको वो कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सके। और कुछ केसेस में हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि ज्यादा यूजर्स को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कंपनी वाले फ्री में अपनी डिस्प्ले रिप्लेस करके देते हैं, जिससे लोगों को भी पता चलेगा कि अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक सॉलिड सॉल्यूशन बताता हूँ इस प्रॉब्लम का। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि जब भी अपडेट आए तो आप डायरेक्टली अपडेट ना करें, कुछ टाइम रुक जाए, 5 से 6 दिन या फिर 10 दिन तक रुक जाए, फिर आप ट्विटर पे जाके अपने फोन का मॉडल नंबर सर्च करके आप उस पर ग्रीन लाइन डालेंगे। अगर ट्विटर पे कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि ग्रीन लाइन आ रही है तो आप रुक जाइए, उसे अपडेट ना करिए और कंपनी से कंफर्म कर लीजिए पहले, उन्हें ट्वीट करके कि मैं अपडेट करूँ या ना करूँ, क्योंकि दूसरे लोगों को ग्रीन लाइन्स की प्रॉब्लम आ रही है। अगर कंपनी रिप्लाई करती है तो ठीक है, नहीं तो आप, और जब तक कि आप उसे अपडेट ना करिए, क्योंकि 10-12 दिन या फिर 1 महीने बाद अगर आप अपडेट करोगे तो शायद कंपनी अच्छा अपडेट प्रोवाइड कर सके, तो आप उसे अपडेट ना करें, मेरा ऐसा सजेशन रहेगा। और फिर भी अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट होने के बाद अगर आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन आती है तो आप उस क्या कर सकते हैं कि फ़ोन को रीसेट करिए, रीसेट करने के बाद भी अगर अभी नहीं जाती है अपने सॉफ्टवेयर को डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरों से भी करा सकते हैं, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप डायरेक्ट सर्विस सेंटर जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और फोन के बारे में जानना है कि किस किस फोन में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो आप मॉडल नंबर डालिए या फिर फ़ोन का नाम डालिए और उसके आगे ग्रीन लाइन लिख दीजिए, आपको ट्विटर पर सारी ट्वीट्स मिल जाएंगे जिन पर ये ग्रीन लाइन आई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी अवेयर रहें इस प्रॉब्लम के बारे में। और मैं आपको मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय। I feel like I'm losing my mind.